नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि पराली जलाने के मुद्दे पर चर्चा करने और उसका समाधान निकालने के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। पराली जलाए जाने से हर साल प्रदूषण फैलता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैठक में दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण सचिवों के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NDMC और DDA जैसे निगमों के सदस्य भी शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैठक में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पिछले 2 वर्षों में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 8 लाख रुपए से अधिक नकदी व 15 किलो वजनी चांदी की एक सिल्ली भी बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने बताया कि जयपुर शहर में IPL T20 क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद विशेष टीम बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि टीम ने सोमवार को श्यामनगर इलाके में छापा मारा और वहां एक मकान में महेंद्र कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल व आशीष अग्रवाल को शारजाह में मुंबई इंडियंस व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पकड़ा। लाबा के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 2 LED TV, 2 लैपटॉप के साथ साथ 8,20,000 रुपए नकद तथा करोड़ों रुपए का हिसाब जब्त किया गया है। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली के खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था करेगा। निगम के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने मंगलवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय निगम के पास 1.50 लाख टन तथा केंद्रीय भंडार निगम के पास 95,000 टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। राजस्थान में कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों का हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 2,148 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं 15 मरीजों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को 20,376 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। वहीं 1,778 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्र विकास विभाग राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग के समस्त आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना सुनिश्चित करें। सिंह ने बताया कि विभाग के समस्त संस्थानों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। उनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 14 नवंबर पंडित नेहरू जयंती तक ऑपरेशन विद्या भूमि नामक विशेष अभियान चलाकर यह कार्य पूर्ण किया जाएगा। जयपुर से मैसूर जाने वाली स्पेशल ट्रेन का 3 स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया है। जयपुर से मैसूर आते जाते समय स्पेशल ट्रेन इन स्टेशनों पर रुकेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का कुनेरू, डॉन जंक्शन और धर्मवरम जंक्शनों पर ठहराव निर्धारित किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया जयपुर मैसूर जयपुर ट्रेन 1 अक्टूबर से कुनेरू, डॉन जंक्शन और धर्मवरम जंक्शन पर रुका करेगी। लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के विरोध को लेकर अब भाजपा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत सोशल मीडिया, किसान कल्याण, ग्राम चौपाल और कानूनों से संदिग्ध पत्रक बांटकर इन कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी किसानों के साथ साथ आमजन को भी दी जाएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में बताया कि बुधवार सुबह 9 बजे भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में बताया कि बुधवार सुबह 9 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया फेसबुक लाइव के माध्यम से अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किसान कल्याण, ग्राम चौपाल लगाकर भी किसानों को इस कानूनों की जानकारी दी जाएगी। कोविड गाइडलाइन के अनुसार सीमित संख्या में इन चौपालों में किसानों को बुलाया जाएगा। चौपाल की तारीख कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से तय करेंगे। अंतिम 2 दिन 9 और 10 अक्टूबर को जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर कानूनों से संबंधित पत्रक बांटेंगे। पार्टी ने करीब 25 लाख पत्रक छपवाए हैं और हर बूथ पर 40 से 50 घरों में पत्र बांटने का काम किया जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में TSP क्षेत्र में रिक्त रही अनारक्षित सीटों पर भर्ती को लेकर आदिवासी युवाओं का NH-8 पर हुआ उपद्रव तो शांत हो गया, लेकिन इस उपद्रव को लेकर राजस्थान की सियासत अब गर्माने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर BJP के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर के नेतृत्व में एक टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की।
इस पूरे मामले को लेकर दिलावर मंगलवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीटीपी के साथ सरकार और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों ने भी एक दिन के वेतन कटौती का विरोध करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर यह निर्देश दिया गया है। सितंबर माह से रोडवेज कर्मियों के सकल वेतन का एक दिवस का वेतन प्रतिमाह काटा जाएगा। राजस्थान परिवहन निगम फेडरेशन के महामंत्री महेश चतुर्वेदी ने बताया कि जब सरकार आवश्यक सेवाओं जिनमें चिकित्सा सेवा, पुलिस कर्मियों को वेतन कटौती से छूट प्रदान की गई तो हमें भी छूट दी जाए। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के विरोध पर सांसद दिया कुमारी ने निशाना साधा है। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मानसून सत्र में मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल देश के किसानों का भाग्य बदल देगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने से पहले हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसी सोच को साकार रूप देने के लिए मोदी सरकार ने नया कृषि विधेयक संसद में पेश किया था। कोरोना वायरस के कारण राजस्थान के 11 जिला मुख्यालय वाले जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली एवं नागौर में कोरोना जन जागरण अभियान 2 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया जाएगा, जिसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को उनके निवास पर दोपहर 2 बजे आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के 11 जिला मुख्यालय वाले जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली एवं नागौर में धारा 144 लागू की गई थी। इन जिलों में आमजन के मध्य कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन जागरण अभियान चलाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी को गांव में हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में व आपराधिक मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मनीष मक्कासर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव श्रीनगर के निवासी बंटी पुत्र कालूराम, जो कि बदमाश प्रवृत्ति का है, उसने गांव मक्कासर निवासी चुखी देवी धर्म पत्नी गणेशा राम की नाबालिग पुत्री कांता को बहला फुसला कर अगवा कर लिया। उन्होंने बताया कि बंटी पहले से ही कांता पर बुरी नजर रखता था और उसे कांता के पिता गणेशा राम ने कई बार समझाया था। हनुमानगढ़ टाउन के तेरापंथ भवन में अखिल भारतीय अणु विभाग के तत्वाधान में अणुव्रत समिति ने अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत तृतीय दिवस अणुव्रत प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंचल अणुव्रत समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी ने की। बहन खुशबू ने अपने संबोधन में कहा कि जो व्यक्ति बिना नियम व्रत के जीवन यापन करता है, उसका जीवन पशु पक्षी की भांति हो जाता है। आज समाज का ढांचा सुधारने के लिए प्रत्येक को अपने जीवन का ढांचा सुधारना होगा। अणुव्रत के नियमों को धारण करने के लिए और जीवन को चरित्रवान बनाने के लिए एकाग्रता के साथ ईश्वर के सत्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। हनुमानगढ़ के धानका धर्मशाला पैलेस में स्वर्गीय बीडी अग्रवाल के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य रूप से सीटू यूनियन प्रधान राजेश माहौर, सचिव रामचंद्र किराड़, पूर्व प्रधान मदन लाल, रोशन लाल सीटू यूनियन के तमाम सदस्य, तोला धानका यूनियन के प्रधान अमरनाथ पेंटर, सचिव रामचंद्र माहौर, उप प्रधान विकास खन्ना, पूर्व प्रधान लालचंद खटक, पूर्व उप प्रधान मुकेश कुमार राज, मोहनलाल माहौर, पवन नगर अध्यक्ष, मुस्लिम समुदाय के प्रधान हाजी इकबाल मोहम्मद, सचिव अकबर खान तथा रणजीत चौधरी आदि भी मौजूद थे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के चकवाला सिंह वाला में रहने वाले एक व्यक्ति को फोन करके उसके फोन पे खाते से 46,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित हिम्मत सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर कॉल करके खुद को फोन पे का अधिकारी बताया और उसके खाते की डिटेल ले ली। ओटीपी पूछकर उसके खाते से 46,000 रुपए निकाल लिए। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 16 एसडीएम ढाणी में रहने वाली एक युवती को कई युवक अपने साथियों की मदद से शादी का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस के अनुसार युवती के पिता की रिपोर्ट पर 22 एमएल निवासी दीपक कृष्ण राजेंद्र व दीपक की मां उसकी पुत्री को भगा कर ले गई। उसकी पुत्री घर से 10,000 रुपए की नकदी व सोना चांदी के जेवरात भी ले गई। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 5 जीजी में स्थित सरकारी स्कूल से एक महिला पंखे चोरी करके ले गई। पुलिस के अनुसार प्रिंसिपल प्रमोद ने रिपोर्ट दी कि गांव निवासी मंजू राजपूत स्कूल का ताला तोड़कर 6 पंखे चोरी करके ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के पार्क में आज वाचनालय का शिलान्यास नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद सुरेंद्र गोंद, पार्षद सुमित रिणवा, पार्षद मनोज सैनी ने संयुक्त रूप से किया। पंडित अजय शास्त्री ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से शिलान्यास करवाया। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र गोंद ने बताया कि वाचनालय के लिए एक बड़ा हॉल 40x60 का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत 30,78,000 रुपए आएगी। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित वाणिज्यिक कर विभाग में नियुक्त सहायक लक्ष्मी राव को टांडिया विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि प्रदान की है। लक्ष्मी ने एनालिसिस ऑफ कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सेलुलर नेटवर्क पर डॉक्टर कल्पना मिड्डा के निर्देशन में शोध पूरा किया है। हनुमानगढ़ में आयोजना विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ जिले का जिला गजेटियर तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री तंवर ने राज्य स्तर पर तैयार किए गए सामान्य प्रशासन अध्याय 9 तथा दर्शनीय स्थल अध्याय 18 में रही त्रुटियों को लेकर जिला स्तरीय समिति से चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।